नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस क्या है, हाउ टू इनेबल टीडीएस इन टैली, टैली में टीडीएस को हम कैसे इनेबल करते हैं, लेजर्स रिलेटेड टू टीडीएस इन टैली, टैली में टीडीएस से रिलेटेड लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, एंट्री ऑफ टीडीएस विथ जीएसटी इन टैली, टैली में जीएसटी के साथ टीडीएस का एंट्री हम कैसे करते हैं, हाउ टू डिडक्ट टीडीएस इन टैली, टैली में टीडीएस हम कैसे काटते हैं और TDS पेमेंट एंट्री इन टैली यानी कि टैली में हम TDS का पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले TDS की। अगर आप नहीं जानते हैं कि TDS क्या होता है, TDS कब काटा जाता है, TDS क्यों काटा जाता है, TDS किस रेट से काटा जाता है, किस सेक्शंस के अंदर काटा जाता है, TDS का पेमेंट कब करना है, TDS में क्या क्या रिटर्न्स जाते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको TDS से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप वहां से TDS से रिलेटेड वीडियोस को देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि TDS को हम टैली में कैसे इनेबल करेंगे, कैसे एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। दोस्तों TDS का एंट्री करने के लिए टैली में हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम F11 प्रेस करके फीचर्स को ओपन करेंगे। इसमें तीसरे नंबर पर स्टेचरी एंड टैक्सेशंस का फीचर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों सबसे ऊपर में है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को आप सबसे पहले यहाँ पे इनेबल कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद जितने भी जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स हैं उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे आएंगे, आगे है यहाँ पे इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TDS काटने के लिए आपको इसे इनेबल करना होगा, तो इसे यस कर देंगे। और सेट अल्टर TDS डिटेल को भी यस करके यहाँ पे आप अपना कंपनी या फॉर्म का टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन नंबर, डिडक्टिव टाइप अगर कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल और HUF सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लिया है, डिडक्टर ब्रांच, आप यहाँ पे ब्रांच भी डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल यानी कि TDS काटने के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर्सन का आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है। तो जनरली कंपनी में डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप यहाँ पे उनका डिटेल आप फिल कर देंगे, उनका नाम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर और बाकी एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे फिल कर देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बोलता है रेट ऑफ TDS इफ पैन नॉट एप्लीकेबल, अगर पैन अवेलेबल नहीं होगा तो TDS हम किस रेट से काटेंगे। तो दोस्तों इसका एक नियम है कि अगर पैन अवेलेबल नहीं रहता है तो TDS हमें 20% की रेट से काटना होता है, तो यहाँ पे हम 20% ही सिलेक्ट कर लेंगे। इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट, इसे नो ही रहने देंगे। एक्टिवेट TDS ऑफ स्टॉक आइटम, इसे भी नो रहने देंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और फाइनली इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप होगा हमारा लेजर्स क्रिएट करना। हमने TDS इनेबल कर लिया, TDS इनेबल करने के बाद अब हमें लेजर्स क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में, लेजर्स में, और यहाँ से हम लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट में हमें TDS काटना है। सपोज हम मान लेते हैं कि हम प्रोफेशनल फी के अगेंस्ट में TDS काटना है, तो हम प्रोफेशनल फी का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। प्रोफेशनल फी, इसे हम डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि इज GST एप्लीकेबल, तो इसे हम एप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर GST डिटेल, इसे भी हम यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन खुल जाएंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं जिस व्यक्ति का या जिस कंपनी का TDS काटने वाला हूँ वो एक टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज आप इस फील्ड से किसी भी नेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है टैक्स का टाइप और रेट, तो यहाँ पे हम 18% GST का रेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई, प्रोफेशनल फीस, एक सर्विस है, तो यहाँ पे हम सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है इज TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट में आप एक नया नेचर बना लेंगे, एक नया कैटेगरी बना लेंगे यहाँ पे। जैसे प्रोफेशनल फी का लेजर हम बना रहे हैं, तो हम जानते हैं कि प्रोफेशनल फी का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं
तो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फी सेक्शन 194J के अगेंस्ट हम TDS काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो कैटेगरी बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे कंट्रोल सी प्रेस करने पे हेल्पर ओपन होता है, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है मेरा इसलिए ये चीज नहीं खुल रहा है। आप जब आप लाइसेंस वर्जन में इसे खोलेंगे तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट ओपन हो जाएगा, उसमें जितने भी सेक्शन है TDS के वो सारे सेक्शन डिटेल वाइज होंगे, आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। वैसे मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देता हूँ। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फी सेक्शन डाल देते हैं 194J, पेमेंट कोड, रिमिटेंस कोड, ये सब आपको डालने की जरूरत नहीं है। जब आप हेल्पर पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जब आप प्रोफेशनल टेक्निकल फी को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ आपका फिल हो जाएगा। दोस्तों अब बात करें रेट की, तो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस में 10% के रेट से TDS काटा जाता है, तो मैं यहाँ पे 10% सिलेक्ट कर लेता हूँ। थ्रेशोल्ड और एग्जम्पशन लिमिट, तो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस के केस में 30,000 रुपया एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली इस लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा लेजर हम बना लेते हैं TDS का। जैसे अभी हम प्रोफेशनल फी के ऊपर TDS काटेंगे तो एक लेजर हम बना लेते हैं TDS ऑन प्रोफेशनल फी, ठीक है। इसे हम डाल देते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में, यहाँ पे हम TDS सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के अगेंस्ट में हमें TDS काटना है। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। दोस्तों अब एक हम पार्टी का लेजर बना लेते हैं जिस पार्टी को हमें TDS काट करके पेमेंट करना है। जैसे सपोज XYZ लिमिटेड है, ये आपका हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटल बिल वाई डिटेल्स यस, इज TDS डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों एक बॉक्स खुलेगा, इसमें पूछेगा आपसे डिडक्टिव टाइप कि ये जो आपका पार्टी है ये किस तरह का पार्टी है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जिस तरह का ये पार्टी होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे XYZ लिमिटेड लिखा है तो ये कंपनी ही होगा, तो मैं यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, अगर आप एंट्री करते समय सिंगल एंट्री में ही TDS भी काट लेना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम परचेज का एंट्री सेपरेट पास करें और TDS डिडक्ट करने का एंट्री सेपरेट पास करें तो यहाँ पे आप नो रहने देंगे। मैं आज आपको यस करके ही बताऊंगा कि एक ही सेम वाउचर में कैसे TDS काटा जाता है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह भर देंगे, उसके बाद दोस्तों उस पार्टी का आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना होगा। यहाँ पे हम पैन नंबर पुट कर देंगे और GST नंबर अगर है तो GST नंबर डाल देंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगर XYZ लिमिटेड के तरफ से आपको एक प्रोफेशनल फी का बिल प्राप्त होता है 40,000 रुपया का, तो उसका हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे और कैसे उस पर TDS डिडक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद दोस्तों हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने के केस में आप क्या करेंगे, परचेज का एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो परचेज एंट्री के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। दोस्तों F9 प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं बल्कि आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं। तो आइटम को यहाँ से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये अकाउंटिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। अब आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, पार्टी का नाम XYZ लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों हम सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा सर्विस था, तो प्रोफेशनल फी था, कितना अमाउंट का, 40,000 का। अब उसके बाद दोस्तों आगे हम सिलेक्ट कर लेंगे CGST और SGST, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम TDS का लेजर सिलेक्ट करेंगे, TDS ऑन प्रोफेशनल फी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो प्रोफेशनल फी है 40,000 रुपया, उस पर 10% के रेट से TDS काट करके यहाँ पे TDS ऑन प्रोफेशनल फी में आपका 4,000 रुपया दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप टैक्स का डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस ए प्रेस टैक्स का डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फी में 40,000 रुपये 10% के रेट से 4,000 रुपया TDS काटा गया है और 40,000 रुपया पे 7,200 रुपया का GST भी चार्ज किया गया है, ठीक है। और इसे अब हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका बिल का एंट्री और उस बिल पे आपने TDS भी काट लिया। दोस्तों इसे अब आप बैलेंस शीट से जा करके भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे करंट लायबिलिटी में ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सी जी एस टी और एस जी एस टी 3600 रुपया डेबिट में दिख रहा है और टी डी एस ऑन प्रोफेशनल फी 4000 रुपया क्रेडिट में दिख रहा है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जी एस टी का इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाता है लेकिन टी डी एस का कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि ये एक तरह का इनकम टैक्स है जो आपको डिडक्ट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि हम टी डी एस जो हमने डिडक्ट किया है उसका पेमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt प्लस S। Alt प्लस S करने के बाद यहाँ पे आप टी डी एस सेलेक्ट कर लेंगे, डेट आप अपना डाल देंगे यहाँ पे। डेट डालने के बाद दोस्तों सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, डिडक्टिव टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर देंगे, कैश से कर रहे हैं पेमेंट या बैंक से कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टी डी एस ऑन प्रोफेशनल फी कितना रुपया पेमेंट करना है ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई हैं। अब इसे आपको सिर्फ एक्सेप्ट करा लेना है, तो हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। दोस्तों अब अगर हम इसे बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे करंट लायबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से टी डी एस का लेजर गायब हो चुका है, यानी कि जितना रुपया हमने टी डी एस काटा था उतना हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम किसी भी पार्टी का टी डी एस कैसे डिडक्ट करेंगे, टी डी एस का पेमेंट हम कैसे करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी पार्टी द्वारा टी डी एस डिडक्ट करके भुगतान किया जाता है तो उससे रिलेटेड इंट्रीज हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नए वीडियो के लिए परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।